डिटेल में बात करने वाले हैं क्या इसके की फीचर्स होने वाले हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। सो लेट्स बिगिन। मेरा नाम है शिवम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू महिंद्रा थार के बारे में। तो यह महिंद्रा थार डीजल वेरिएंट में 130 बीएसपी में यहाँ पे अवेलेबल है और दो इंजन ऑप्शन में अवेलेबल होता है, एक तो पेट्रोल और एक डीजल में। सो इट्स अ डीजल वेरिएंट एमहॉक 130। हम फ्रंट प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो इसका लुकिंग कुछ इस तरह से दिख जाता है हमको। काफ़ी इसका मैसिव लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि लुक है ना काफ़ी अच्छा अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके हेलोजन लैंप के बारे में तो यहाँ पे हेलोजन लैंप दिया गया है सर्कुलर राउंड में, काफ़ी अच्छे लुक में यहाँ पे रेट्रो लुक से ऑफर करे गए हैं। और जो भी है यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विथ LED DRLs और यहाँ पे मिल जाता है हेलोजन फॉग लैंप। और इसके बम्पर के बारे में, डुअल डोर बम्पर यहाँ पे नहीं है, सिंपल ब्लैक कलर में यहाँ पे बम्पर किए गए हैं विथ थार की यहाँ पे बैजिंग के साथ। बैजिंग यहाँ महिंद्रा का बैजिंग मिल जाता है और यहाँ पे थार लिखा हुआ मिल जाता है आपको, काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साइड प्रोफाइल के बारे में तो कुछ इस तरह से इसका साइड का लुक भी हमको मिल जाता है देखने में, काफ़ी मैसिव लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमको। और यहाँ पे अगर इसके फेंडर में बात करें तो यहाँ पे थार की बैजिंग मिल जाती है काफ़ी लुकिंग, जो कि यहाँ पे थार देखने में ही हमको मिल जाता है, जो कि क्रोम फिनिशिंग में थार की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे हमको इंडिकेटर्स है कि यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, जो थार लिखा हुआ मिल जाता है काफ़ी अच्छे लुक में। और कुछ इस तरह से यहाँ पे डोर हैंडल ब्लैक फिनिशिंग में दिए गए हैं, आफ्टर मार्केट यहाँ पे हम क्रोम वगैरह करवा सकते हैं। और कुछ इस तरह रहा, यहाँ पर 4x4 की बैजिंग मिल जाती है, जो कि आपको पता है थार जो है 4x4 फोर व्हील ड्राइव्स में। यहाँ पे हार्ड टॉप ऑप्शन दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ सॉफ्ट टॉप भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये गाड़ी हार्ड टॉप में है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुकिंग हमको मिल जाती है। साइड प्रोफाइल के बारे में तो कुछ इस तरह से यहाँ पे गाड़ी दिख जाती है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेयर व्हील्स के यहाँ पे अंदर रखने का ऑप्शन नहीं है, बाहर ही लगे रहते हैं, जो कि यही इसका लुकिंग काफ़ी अच्छा इसको बना देता है। और ऑल टेरेन टाइप के यहाँ पे टायर्स हमको मिल जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में कहीं भी इस गाड़ी को ले जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पे महिंद्रा का लोगो वगैरह थार का बैजिंग के साथ में। इसके अलावा व्हील्स हमको ऑफर किए गए हैं 18 इंच के, काफ़ी ब्यूटीफुल अच्छे व्हील्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 255/65 R18 का यहाँ पे टायर प्रोफाइल लैंप मिल जाते हैं, जो कि अगेन हेलोजन में है। यहाँ पे इंडिकेटर्स भी यहाँ पे भी थार की बैजिंग के साथ मिल जाता है, यहाँ हमको डी फॉवर्स मिल जाते हैं। बात करें इसके टायर प्रोफाइल के बारे में तो कुछ इस तरह से हमको इसका टायर प्रोफाइल मिल जाता है, 255/65 R18 इंचेस के यहाँ पे हमको एलॉयज ऑफर किए गए हैं, जो कि मैट फिनिशिंग में काफ़ी अच्छा लुकिंग है। यहाँ पे थार की बैजिंग के साथ में हमको इसके एलॉय मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े साइज में यहाँ पे टायर हैं, ऑल टेरेन टायर हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति ऑफ रोडिंग करते हैं तो आराम से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आते हैं तो यहाँ पे इसका आपको देखने से ही लग रहा है 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे हमको मिल जाता है, ऑफ रोडिंग में काफ़ी अच्छा है। डीजल वेरियंट में है तो यहाँ पे हमको एमहॉक डीजल में एमहॉक आता है, और पेट्रोल वेरियंट में अगर हम जाएंगे तो M-Stallion 150 BSP के पावर के साथ यहाँ पे हमको मिल रहे। तो ये वेरियंट एमहॉक है तो यहाँ पे इसका बैजिंग मिल जाता है एमहॉक 130 का, और यहाँ पे रेडियो एंटीना यहाँ फेंडर में दिया गया है, काफ़ी अच्छा लुकिंग देखने को। अगर देखें इसके इंजन के बारे में, ले इसके हुड ओपन करते हैं, हुड ओपन करने के लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये अंदर यहाँ पे लीवर दिए गए हैं, इसको हम ओपन करते हैं, पुल करते हैं तो यहाँ पे बोनेट ओपन मिल जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ पे जो कंचेज है ये मिल जाते हैं, पहले क्या था कुछ, अभी जो न्यू आई है काफ़ी इसमें सुधार किया गया है, तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बोनेट को ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा इसका इंजन कुछ इस तरह से, यहाँ पे माउंट करने के बाद कुछ लगभग 5000 किलोमीटर यह गाड़ी अभी चली हुई है, तो इसका आप देख सकते हैं इंजन कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल जा रहा है, जो कि यहाँ पे 130 BSP का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है विद 320 nm के टावर के साथ। तो कुछ इस तरह से हमको इसका लुकिंग देखने को मिल जाता है, काफ़ी पावरफुल डीजल इंजन है ये। तो दोस्तों चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं इंटीरियर क्या होने वाला है, हमको नया थार जो ऑफर किया इसका इंटीरियर, चलिए इंटीरियर के बारे में ओपन करते ही पता चल जाता है हमको कि मेड इन इंडिया जो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो हैवीनेस है इसका,
ऐसे ही पता चल जाता है कि महिंद्रा ने कैसा हमको ये थार ऑफर किए हैं। डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे ये हैंडल्स मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पे कंट्रोल्स ORBM के मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर हमको दिया गया है पूरे ब्लैक फिनिशिंग में, और काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बैठने से ही इसका जो कम्फर्ट है काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस तरह से इसका की हमको मिल जाता है महिंद्रा का, यहाँ पे लोगो बैजिंग के साथ में। इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी देखने को काफ़ी अच्छा। यहाँ पे एयर बैग का यहाँ पे ऑप्शन है, और ये महिंद्रा का यहाँ पे लोगो दिया गया रहता है। यहाँ पे मल्टी मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं कुछ में, और कुछ इस तरह से इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम को दिया गया है 7 inches, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अगेन अच्छा होने वाला है। सो इसके जो टचेज हैं काफ़ी अच्छे स्मूथ हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके हम अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। खैर, इसका हम एक अलग से वीडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम का बनाएंगे, क्या क्या इसमें की फीचर। जो हमको AC वेंट्स दिए गए हैं ना, जो पियानो फिनिशिंग, ये काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है विथ क्रोम यहाँ पे, जो फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है उसके लिए। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सर्कुलर टाइप का जो दिया गया है डैशबोर्ड में, बहुत ही अच्छा देखने में प्यारा लगता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें जब हम एक बार बैठते हैं, एंट्री करते हैं ना, तो अलग टाइप का कंफर्ट हमको मिल जाता है। सीट भी काफ़ी अच्छी, यहाँ पे कुशनिंग है हमको थाई अंदर, थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। सो अगर लॉन्ग जर्नी में अगर कुछ इस तरह से डिज़ाइन की ही किया गया है कि हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो हमें क्या। और बात करें अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो कुछ इस तरह से हमको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि RPM मीटर्स, और जो कि सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे इसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से हम इसको कंट्रोल्स कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। इस तरह से हमको यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे मैनुअल, यहाँ पे AC, यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए रहते हैं, हजार लाइट्स के यहाँ पे भी एक बटन दिए गए, बाकी सारे बटन्स नहीं है, ये इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं हमारे, जैसे सीट बेल्ट का हो गया और भी चीज़ें हैं। सो कुछ इस तरह से इसके, यह जो है मैनुअल 6 gear स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में है। सो यह मैनुअल यहाँ पे हमको ये गियर चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि ब्लैक पियानो फिनिशिंग में आपको, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें इस पियानो फिनिशिंग उसमें नहीं ऑफर किया गया, बाकी मैनुअल में ही केवल पियानो फिनिशिंग हमको मिलता है। बाकी ये 4-wheel drive का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से दोनों फ्रंट साइड का पावर विंडो यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे डुअल कप होल्डर्स हमको ऑफर किए गए हैं, कुछ इस तरह से इसका हैंड ब्रेक्स मिल जाता है। हमको ये दिया गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का मॉडल थार सीरियल नंबर, और यहाँ पे मेड इन इंडिया विद प्राइड। अगर ओवरऑल इसके इंटीरियर के बारे में बात करें, तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके जो हार्ड टॉप रूफ इसमें ऑफर किए गए हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लुकिंग काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे हमको 2 speakers यहाँ पे मिल जाते हैं, दोनों स्पीकर यहाँ पे ऊपर ही दिए गए रहते हैं, और यहाँ पे दोनों ट्यूटर्स मिल जाते हैं, उनको 2 airbags मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड में एक पैसेंजर। अगर बात करें अगर रियर सीट के बारे में, तो चल के अंदर बैठ के बात करते हैं। तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे हमको सीट को थोड़ा सा आगे करना पड़ता है इस तरह से, और यहाँ पे एक लीवर दिया गया रहता है, इसको हम करके इसको वैसे ही फोल्ड करते हैं, और यहाँ पे भी इसमें महिंद्रा है इसका ओरिजिनल जैसे, यहाँ से हम इंटर करते हैं अंदर बैठने के लिए। कुछ इस तरह से इसका रियर कैबिन पूरा गाड़ी का हमको मिल जाता है, और इसका ऊंचाई देखें तो काफ़ी अच्छा है, इसका हाइट्स मिल जाते हैं, रूफ टॉप काफ़ी यहाँ पे ठोस तो है ही। यहाँ पे साथ में हमको ये ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, और इसको हम रिमूव कर भी सकते हैं, और ये जो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमको जो थार में दिए गए रहते हैं वो सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। और कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, आराम से बहुत सारा यहाँ पे स्पेस भी है, पैर को भी थोड़ा सा कर सकते हैं, बाकी अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, और उसने भी बहुत सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन करते हैं, तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे हमको नहीं मिलता है, थोड़ा सा स्पेस हमको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी हम इसके इसको यहाँ पे ये विंडो वैसे ही ओपन कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि इसका लुकिंग तो काफ़ी अच्छा पीछे से देखने में लगी जाता है। बाकी फूड स्पेस यहाँ पे हमको 2 parking sensors मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमको कंपनी यहाँ पे रिवर्स कैमरा नहीं देती है, टॉप मॉडल में भी नहीं देता है, ये आफ्टर मार्केट
कुछ इस तरह से रहा इसका रिव्यू वीडियो महिंद्रा थार डीजल वेरिएंट में। तो यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नई वीडियो और नई गाड़ियों के साथ हम पुनः आपको मिलते हैं। तो चलिए चैनल पर बने रहिए, और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।